अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इमरान रियाज़ खान, पाकिस्तान की जानी मानी आवाज़, एक जाना माना नाम, सहाफ़त का एक सबसे ज़्यादा इस टाइम सुनने वाली आवाज़। मैं मिसेज इमरान रियाज़, पिछले 5 दिन से हमें नहीं पता इमरान कहाँ है। इमरान ने पिछले 15 साल की अपनी जर्नलिज्म कमिटमेंट में जिस तरह पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों के लिए आवाज़ उठाई है, और इस मुल्क के मुश्किल तरीन मकामात पे जाकर जिस तरह रिपोर्टिंग की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इस वक्त फैमिली और उनके दोस्त अहबाब जिस तकलीफ़ और परेशानी का शिकार हैं, अल्लाह ताला कभी दुश्मन को भी उस परेशानी में मुब्तला ना करे। इमरान के वालदैन ने उनको हमेशा सच बोलना सिखाया और इमरान ने हमेशा करप्शन और करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैं पाकिस्तान से और पाकिस्तान की माओ बहनों से और भाइयों से इस वक्त अपील कर रही हूँ कि इमरान की बाजियाबी के लिए दुआ करें, और शुक्रगुजार हूँ जिस तरह पिछले 5 दिन से आप लोगों ने हमारे साथ आवाज़ उठाई। हमें अपनी ऑनरेबल जजेस से और अपने वकला की टीम से मुकम्मल तौर पर एतमाद है। जिस तरह से वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं कोर्ट में, हमें उस पर एतमाद है और हमें इंसाफ पे और मुकम्मल यकीन है। इंशाल्लाह हमने जो दरवाज़ा खटखटाया है आला अदलिया का, वो हमें इंसाफ ज़रूर मुहैया करेंगे। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उन्होंने 48 घंटे अदालत ने दिए हैं कि इमरान, अल्लाह ताला करे, अल्लाह ताला खैर खैरियत से इमरान को वो लोग अदालत में पेश करें, इमरान हमारे साथ हों। मैं अपनी कौम की माओ से, बहनों और भाइयों से सबसे गुजारिश कर रही हूँ, इमरान के जर्नलिज़म के जितने दोस्त हैं उन सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आवाज़ उठाएं। अगले 48 घंटे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इमरान के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनके वालदैन के लिए इम्पॉर्टेंट है।